सम्मानित कर का जो प्रोग्राम बनाया पधारे हुए जिन्ने भी मेरे बीच मेरी पूरी प्रिंसिपल संदीप कुमार जी साहब पेंशन जी जगीर सिंह जी जेडे और शोक कुमार जी उन्होंने बहुत सम्मान है जिन्होंने आज भाटिया साहब के स्कूल अपने दर्शन दिते ने सरदार चंद्र सिंह जी भाटिया जेडे कि संस्थापक ने फाउंडर ने मैं उन्होंने लख अजे तक भुलाया नहीं ये मैं पहला मौका वेख्या है कि कदे किसी ने इस स्टेज आके भी टीचर का मान रखा हो कदे कोई हजार फंक्शन नहीं मिटा ये अपनी किस्म का पहला फंक्शन है ये करके भाटिया साहब बधाई के पात्र ने मैं इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करना कि इन्होंने सारे सम्मान किया इतने सद के नहीं तो आम तौर पर जो मैं रिटायर हो जाता तो जोड़े स्कूल चो रिटायर होंगे जोड़े महकमे चो रिटायर होंगे वो महकमे वाले भी आते चाहे छाटी आ गए दफा कई बार कोई पुराना पुराना भी पसंद नहीं करता स्कूल के स्टाफ मैंबर भाटिया साहब के हार्दिक सदे के आए उन्होंने सरदार साहबान प्यारे प्यारे बचो प्रेस रिपोर्टर और कर्मचारी जो इस स्टेज पर आए हो इस समारोह में दाखिल हुए हो सरदार इंद्रजीत सिंह भाटिया को गुजारिश करा कि वह 2 मिनट आके स्टेज पर अपने अध्यापकों का विचार पेश करें मैं खुशी का दिन है मेरे वास्ते तो मेरे परिवार वास्ते साडे स्कूल वास्ते कि मेरे अब प्रिंसीपल साहबान टीचर साहबान जिन्हों को मैं पढ़िया वा वो मेरी बेनती से मैं हाथ जोड़कर बेनती की मेरी बेनती को प्रवान कर दिया और दास के स्कूल में उन्होंने अपने चरण पाए हैं तो इतने तशरीफ लाए हैं मैं थोड़ा दसना चाहता हाँ कि मैं अपने पूरे इलाके के टीचर साहबान जिन्हों को पढ़ता रहा हूँ या किसी होर स्कूल भी पढ़ा चाह पढ़ाते रहे हैं मैं सारे बुला चाहता सर पर कुछ हालात बहुत सारे टीचर साहबान ये ज़्यादा होने करके फिजिकली फिट नहीं वो नहीं आ सके जैसे मैं तो अपने को 20-25 टीचर साहबान प्रिंसीपल साहबान सदा दिता सी पर उन्होंने फिजिकल फिट ना होने करके बड़ी प्रॉब्लम आई है प्यारे विद्यार्थियों जिस समय से मैं पढ़िया वा जो मेरे को पहली जनरेशन पढ़ी है साडे टीचर साहबान ने सानू बड़ा ही डेडिकेशन के नाल पढ़ाया सानू उन्होंने इस तरह पढ़ाया जिस तरह अपने सानू बच्चे ही समझते सन तुसी देख रहे हो ई पंजाब टीवी आप इस वेले मौजूद हाँ फतेहगढ़ चूड़िया के DDIS स्कूल विखे जिथे कि अज स्कूल के MD इंद्रजीत सिंह भाटिया वालों उन्हां नूं पढ़ाउंदे रहे टीचर साहबान का जिहड़ा वा विशेष जिहड़ा वा सन्मान समारोह रखा गया तां जो उन्हां नूं ओह सन्मान कर सकन उन्हां नूं इज्जत मान दे सकन गलबात करदे हां अध्यापक साहबान अते इंद्रजीत सिंह भाटिया नाल DDIS स्कूल विखे समूह जिहड़े तुसी तुहाडे उस्ताद रहे ने तुहानू पढ़ाउंदे रहे ने टीचर साहबान उन्हां दा विशेष तौर ते सन्मान समारोह कीता उन्हां दा सन्मान कीता तुहाडे दिल अते दिमाग विच इह किस तरह दी सोच आई कि मैं अपने उस्ताद नूं जिहड़े अध्यापक ने उन्हां नूं सन्मान करां सब तों पहलां मेरे वल्लों सारिआं नूं सति श्री अकाल ते नमस्कार अज मेरे वास्ते बड़ा ही खुशी दा दिन है कि मैं जिहड़े रिटायर प्रिंसीपल जां रिटायर टीचर साहबान जिन्हां को कि मैं खुद पढ़िया वा मैं उन्होंने बेनती की सी मेरी बेनती स्वीकार करदे हुए उन्होंने मेरे स्कूल में आके विराजमान होए ने ते दास नूं माण बख्शिया है मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ बड़े चिर तो मेरे मन च विचार आ रही सी कि जो अजकल का समा चल रहा है स्टूडेंट अते टीचर विच अध्यापक अते विद्यार्थी विच बड़ा ही सत्कार नूं लैके गैप हो रहा है क्योंकि मेरे समय विच असी अपने टीचर साहबान का पूरा सत्कार करते सन तो टीचर भी बड़ी डेडिकेशन के नाल सानू पढ़ाते सन पर अज की देख रहे हाँ अज पेरेंट्स साहबान तो विद्यार्थी भी
उन्होंने वो गुरु चेले वाली टीचर विद्यार्थी वाली गल ना रह के गिव एंड टेक वाली गल हो गई है। वो समझते हैं कि पैसा दे के एजुकेशन खरीदो, रिस्पैक्ट वाली गल जी बड़ी दूर दी हो गई है। तो मैं इस करके चाहता हाँ कि मैं एक छोटा जिहा उपराला करा तो मेरे सारे समाज को पता लगे, अज के स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि किस तरह असी अपने टीचर साहबान का अपने मापियां का सत्कार करना, क्योंकि इन्हों का सत्कार करके सानू बड़ी खुशी मिलती, बड़ा सुकून मिलता, इन्हां दी आशीरवादां मिलदियां जिहदे नाल असी जिंदगी विच गां तरक्की करदे हां। धन्नवाद। किन्ने अध्यापकों नूं किन्ने जिहड़े तुहाडे उस्ताद सीगे उन्हां नूं सद्दा पत्र दित्ता सी ते किन्ने आए जी? मैं जी तकरीबन 20-25 टीचर साहबान प्रिंसीपल साहबान नूं सद्दा दित्ता सी, जिन्हां च बहुते फिजिकल फिट ना होने करके नहीं पहुँच सके। तो तकरीबन अज मेरे को 9 से 10 नियर अबाउट मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मैं सम्मानित किया है। विद्यार्थियों की संदेश देना चाहते जी? विद्यार्थियों ने यह संदेश देना चाहते हाँ कि जिस तरह मैं अपने टीचर साहबान की रिस्पैक्ट कर रहा हाँ, तुम भी अपने टीचर साहबान की रिस्पैक्ट करो ता कि उन्होंने आशीर्वाद ना तुम भी जिंदगी तरक्की करके अपना टारगेट जो हासिल कर सको। इस तरह अज तुम विशेष तौर पर शिगिर्द ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ MD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 40-50 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ MD ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ MD ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਭ ਦੀ, ਟੀਚਰਸ ਦੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ MD ਸਾਹਿਬ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਸੱਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ MD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ DDI ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ,
जे स्कूल के एम डी ने इंद्रजीत सिंह भाटिया उन्होंने वालों उन्होंने टीचर का सन्मान किया गया है जिन्हों को वो खुद पढ़ते रहे हैं तुम्हें किस तरह का लग्या आज सू बहुत वधिया लगा कि साढ़े मतलब कि इन्ने मतलब वधिया सर ने प्रोग्राम जोड़ा वो आयोजित किया जिद सू भी बड़ी प्रेरणा मिली कि सू साडे टीचर की रिस्पैक्ट करनी चाहिए आ क्योंकि इदा होंगे कि अजक जी जनरेशन आ जिदा असी हाँ असी मतलब कि अपने माता पिता की टीचर की जी इज्जत नहीं कर रहे हैं जो कि बड़ी माड़ी गल है इस करके सू मतलब कि इतों मतलब कि सू प्रेरणा मिली है कि सू की जी रिस्पैक्ट करनी चाहिए आते उन्होंने भी टीचर जो माण महसूस होया होगा कि अज साढ़े किस पुराने विद्यार्थी ने सू एक समान किया सा बच्चे किस तरह की तुम सीख मिली अज अज सू सीख मिली है कि सू अपने जो टीचर्स की रिस्पैक्ट करनी चाहिए भावें आप उन्होंने पढ़ गए हैं पर सू टीचर्स नहीं भुलना चाहिए जिन्होंने सू इतों तक लिया वा सू इन तरक्की बख्शी है जी हाँ जी बहुत वधिया लगा क्योंकि आप एम डी साहब इंद्रजीत सिंह भाटिया सर आप चाहे उन्हें स्कूल खोले पर अपने पुराने टीचर्स नहीं भुले क्योंकि सानू हमेशा अपने टीचर्स की जी रिस्पैक्ट करनी चाहिए सानू सिक्ख्या मिलती है कि अपने पेरेंट्स की भी रिस्पैक्ट करनी चाहिए है तो भावें जिन्ने मर्जी अहदे ते पहुँचो तो अपने टीचर्स नहीं भुलना चाहिए किस तरह का लगा सानू बहुत वधिया लगा कि सानू हमें बहुत वधिया लगा कि सानू हम अपने टीचर्स की रिस्पैक्ट करनी चाहिए आ बहुत मतलब अपने टीचर्स नू भुलना नहीं चाहिए उन्होंने इन्नी कि रिस्पैक्ट करनी चाहिए आ जिस तरह कि सर ने की है रिस्पैक्ट अपने पुराने टीचर्स नू भुले नहीं है तो उन्होंने बहुत रिस्पैक्ट करते हैं तो बाकी आप भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरह के इंसान बनीए कि उन्होंने रिस्पैक्ट करिए अगे जाके अपने टीचर्स की रिस्पैक्ट करिए हाँ जी सानू बहुत वधिया लगा जिहड़ा अज इंद्रजीत सिंह भाटिया ने सानू मैसेज दिता कि सानू अपने टीचर्स की रिस्पैक्ट करनी चाहिए चाहे वह सानू पढ़ाते आ नहीं पढ़ाते पर उन्होंने अपना गॉड वांगू हुंदे आ वो बिल्कुल इक्वल गॉड दे हुंदे क्योंकि सानू वो जिंदगी बारे सिखाते हैं भी जिंदगी किद्दां जीणी है सानू बहुत वधिया लगा थैंक यू प्रोग्राम सी सन्मान समो टीचर्स दा किस तरह दा महसूस बहुत वधिया होया कोई तुहानू सिक्ख्या मिली कुछ हाँ जी मिली आ कि सानू भी मतलब कि टीचर प्यार करना चाहिए जिदा मतलब कि आप पढ़िया उन्होंने वधिया लगता तो सानू भी वधिया लगता किस तरह लगा बहुत वधिया सानू टीचर की रिस्पैक्ट करनी चाहिए माँ प्यो की भी रिस्पैक्ट करनी चाहिए टीचर अपने बच्चों वांगू रखते हैं बहुत वधिया पढ़ाते जी डी डे आई स्कूल के एम डी इंद्रजीत सिंह भाटिया जिहड़े उन्हां दे उस्ताद रहे ने अध्यापक साहिबान जिन्हां नूं अज इत्थे स्कूल बुला के उन्हां दा विशेष सन्मान किया गया दोनों वालों ही यह संदेश दिता है कि अज जो उन्हां दा सन्मान समारोह सी उस विच बच्चे जिस तरह उन्हां वालों अध्यापकों का सन्मान किया गया तो जिहड़े हुण स्टूडेंट ने वो भी अध्यापकों का विशेष सन्मान करन मेरे नाल सहयोगी बिक्रमजीत सिंह ई पंजाब टीवी धर्मिंदर सिंह बाड़ फतेहगढ़ चूड़ियां